अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सनशाइन मॉर्निंग में आपकी होस्ट सालेह नारिन। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल हैं? कैसी तबीयत है आप लोगों की? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले एक बात बता दूँ कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है बालों की हिफाजत। बालों की हिफाजत पे हम बातें करेंगे, बालों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए, और बाल जो है इंसानी ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है, ख़ासकर लड़कियों के लिए। लड़कियों को अपने बालों को संवारने के लिए क्या करना चाहिए, कितनी होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ कर रही होती हैं, कितनी शैम्पूज लगा रही होती हैं, कितनी कंडीशनर, रिलैक्सिंग, रिबॉन्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब अपने बालों के पीछे उनकी ज़िंदगी वक्फ हो जाती है, यूँ कहा जा सकता है। तो इसकी हिफाजत भी करना ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर आपने हाइलाइटर्स करवा लिए या फिर रिबॉन्डिंग करवा ली, रिलैक्सिंग करवा ली, उसके बाद आपने छोड़ दिया है, या फिर बस कोई भी एक ऑयल निकाल कर ऑयल लगा रहे हैं, या फिर कोई भी एक ही शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, एक ही शैम्पू को इस्तेमाल जो है भेजा, वो भी जो है वो बालों के लिए हार्मफुल ही है। तो हम आज आपको बताएंगे कि बालों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए, और अपने शो में आपको दिखाएंगे शैम्पू बनाने का तरीका। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल भी 9 to 11 बैठकर हमारा शो देखें आराम से, आहिस्तगी से, इत्मीनान के साथ। और अपनी डायरी और पेन को लाजमी रखें, या फिर मोबाइल, अगर आपकी बैटरी फुल है मोबाइल की तो आप वो रिकॉर्ड कर लें। और उसके साथ ही साथ फिर जब वो शैम्पू बनाने का तरीका जो हमें हर्बलिस्ट बताएंगी, वो आपने घर पर बनाना है और अपने बालों पर अप्लाई करना है। घर पे बनाना इस वजह से ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बाज़ार से जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ उन्हें सूट नहीं करती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने जितनी भी चीज़ें घर की होती हैं हर्बलिस्ट के कहने पे कुछ करते हैं, या फिर फेस पे लगाते हैं, या फिर बालों पे लगाते हैं, तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि उनके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, डैंड्रफ ख़त्म हो जाती है, और बहुत सारी खूबियाँ मिलती हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो हर्बल प्रोडक्ट है वो बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। इसके दो फायदे हैं। एक तो उसके कोई भी नुकसान नहीं है उस चीज़ का। अगर फ़ायदा नहीं पहुँचाए तो नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। और इसके साथ ही साथ बहुत ही सस्ती चीज़ों में, बहुत ही कम पैसों में वो चीज़ बन जाती है। तो ख़वातीन जो होती हैं वो थोड़ी सी किफ़ायती होती हैं, ये मतलब उनकी ये सोच होती है यार जहाँ 5 रुपये लगते हैं वहाँ 200 रुपये लग जाएँ, जहाँ 1000 लगते हैं वहाँ 500, कुछ तो बच, फिर मैं शॉपिंग करके आ जाऊंगी, बहुत सारी सोच होती है उनकी। तो बालों की केयर कैसे करनी चाहिए, बालों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए, यह आज की शो में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद होंगी, वो शैम्पू बनाना सिखाएंगी, और भी बहुत सारे गेस्ट मौजूद होंगे इसी टॉपिक से, वो आपको बताएंगे कि अपने बालों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के के जब रिश्ते आते हैं ना, तो जो लड़के वाले होते हैं उनकी ये डिमांड होती है कि यार लड़की के जो बाल हैं ना वो बहुत ही लंबे हों, बहुत ही खूबसूरत हों, घने हों, ब्लैक हों, मतलब तरह तरह की उनकी सोच होती है, तरह तरह की उनकी डिमांड्स होती हैं। तो उसको फॉलो करना, उस पर चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हमने स्टार्टिंग से उसको उसकी बालों की हिफाजत की तो फिर हमारे बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और स्टार्टिंग से केयर करने के लिए ज़रूरी है कि आपने ऑयलिंग करनी है, आपने शैम्पू लगाना है, कंडीशनर करना है, हेयर मास्क किस तरह से लगाते हैं, हेयर सीरम तरह से लगाते हैं, ये आज की शो में हम आपको बताएंगे। और कि बालों की हिफाजत के साथ साथ आपकी सेहत भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सेहत अच्छी होने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्सरसाइजेस करनी होती है, हमें योगा करना होता है, और डेली मॉर्निंग टाइम ही करना होता है। तो लाजमी क्या करें, और बालों की हिफाजत जो है इससे, योगा और एक्सरसाइज करने से बाल कितने बड़े होते हैं, कितने घने होते हैं, कितने खूबसूरत हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, ये भी टिप्स हम आपको देंगे। सायरा गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट, वो हमें बताएंगी कि बालों की हिफाजत के लिए क्या स्टेप करना चाहिए। इसके अलावा जो लड़कियां, अगर बाल बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मोटी हैं तो सारी खूबसूरती ख़राब हो जाती है। तो उसके साथ साथ हमें स्लिम रहने का तरीका भी बताएंगी, स्टेप्स बताएंगी, और बालों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए इस पर तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे वो बताएंगे। और बालों की ग्रोथ के लिए कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए ये भी हमें सायरा गफ्फार बताएंगी। तो हम अभी देखते हैं एक्सरसाइजेस कुछ, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे इसी टॉपिक से रिलेवेंट। और सनशाइन मॉर्निंग का पेज मौजूद है फेसबुक पे, आप लाइक करें, टेक्स्ट करें, और साथ ही साथ एक्सपर्ट से बातें करने के लिए कॉल करें। 02135890271 ये हमारा नंबर है, इस पे कॉल करें, उनसे बातें करें। अभी हम चलते हैं योगा एक्सपर्ट की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम सनशाइन मॉर्निंग में, मैं हूं आपकी फिटनेस ट्रेनर सायरा गफ्फार। जैसा कि हेल्थ हमारी सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए हेल्थ बहुत जरूरी है, इसी तरह इस तरह से आजकल ये एक फैशन बन चुका है। हमारी फिटनेस में अगर कोई नुक्स होता है तो लोग हमें आजकल कह देते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। इस तरह से हमारी ड्रेसिंग, गेटअप, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह हमारे जो बाल हैं वो भी एक खूबसूरती के पार्ट में आते हैं। तो इसी तरह से आज मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपके हेयर को भी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। इसी तरह से जैसे कि हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, डिफरेंट फूड्स लेते हैं, लेकिन कुछ फूड्स ऐसे होते हैं हमारी इसी तरह से कुछ हमारे फूड्स जो हमारा डाइट प्लान है वो इस तरह से होता है जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। जैसे कि वाइट नमक, मायोनीज, चीज, इस तरह की तमाम जंक फूड, फास्ट फूड, ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। इस तरह से आप जब सुबह उठते हैं, जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, नाश्ता लेते हैं, इससे पहले, नाश्ते से पहले आपको नीम गर्म पानी लेना चाहिए, जिसमें आपको 5 से 6 कतरे लेमन वाटर के यूज करने चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिनका स्टमक प्रॉब्लम होता है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के तमाम मसाइल होते हैं, जिनको स्किन पे पिंपल्स निकलते हैं, इन तमाम मसाइल के लिए नीम वाटर बहुत बेस्ट माना जाता है। इसी के साथ ही जब आप नीम गर्म पानी लेंगे, इसके आधे घंटे के बाद ही आपको एप्पल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एप्पल, आपने कहावत तो सुनी होगी कि जब आप एक एप्पल लेते हैं एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, इसी तरह से एक एप्पल के साथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क लेना बहुत जरूरी है। ये आपका सुबह का नाश्ता हो गया, या कभी आप बोर हो जाते हैं इस तरह की चीजों से, तो कभी आप जैसे अपनी जो ब्रेकफास्ट है उसमें अंडे की जो वाइटनेस है, जर्दीनी, अगर आप वेट लूज कर रहे हैं यानी कि इस प्रोग्राम में चल रहे हैं वेट लूज के, तो इसके लिए आपको अंडे की सफेदी लेना बहुत जरूरी है, उसको आप जर्दी हटा दीजिए, क्योंकि जर्दी में फैट होता है जो कि हमें और मोटा कर देगा। इसी के साथ ही आप अपने हर खाने के साथ सलाद रखें, सलाद का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, व्हाइट नमक से अवॉइड करें, ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर अपने खाने के साथ यूज कीजिए। ये तमाम चीजें जो मैंने आपको टिप्स बताई, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको लाइफ टाइम फॉलो करें तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। इन तमाम चीजों में हमारी स्किन हेल्थ और जो हमारे जो हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ये तमाम चीजें बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगी। इसी के साथ ही मैं अपनी एक्सरसाइज का आगाज करती हूँ। सबसे पहले वही जो एज यूजल जो मैं करती हूँ, स्ट्रेचिंग में फर्स्ट आज हम करेंगे आर्म्स का डिफरेंट स्टेप। लेट्स सी। सेम 5 सेकेंड होल्ड। हमारा जो ये हाथ है ये बैंड होगा और पीछे नेक तक जाएगा, स्ट्रेट नहीं रखना है, हमें बैंड रखना है। देन इसको बिल्कुल इस तरह से टाइट करके, देन साइड बैंड। फाइव सेकेंड होल्ड इस तरह से हमें स्टैंड के 2 सेट्स करने। देन सेकेंड स्टेप। आर्म स्ट्रेच इंक्लूडिंग फेस भी हमारा टर्न होगा। आर्म स्ट्रेच साइड बैंड हमें करना है, सेम 10 के 2 सेट्स और 5 सेकेंड होल्ड। अगर आप यूज टू हो चुके हैं तो आप अपने जो सेकेंड्स है वो बढ़ा दें, 8, 10, इस तरह से।